करना जो है फजूल खर्ची नहीं है, गलत जगह खर्च करना फजूल खर्ची है। दस रुपए गलत खर्च कीजिए फजूल खर्ची है, 10 करोड़ सही खर्च कीजिए फजूल खर्ची नहीं। तो उसे वो भी नहीं मालूम था। इमाम ने क्या लिखा, ला असराफा फिल खैर, खैर में कोई फजूल खर्ची नहीं होती। तो मानो जो खैर होगा उसमें फजूल खर्ची नहीं होगी। अब जो इमाम के नाम पर खिलाने को पिलाने को सबील को मजलिस को मातम को अगर खैर समझेगा तो कभी एतराज नहीं करेगा। खैर अगर इसका मतलब कि तुमने दिल में इसे खैर नहीं समझा अभी तक, तभी तो कह रहे थे हमने तो बचपन से ये पढ़ा था हमारे से नाटने से वाजिन तक कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, यानी बुरी बातों से रोकना अच्छी बातों की तरफ राजीव करना। फिर आजादारी के मुखालिफ अजीब अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मारूफ, अच्छी चीज की बात करना अच्छी चीज से रोक। धन्यवाद दे दीजिए आप मोहम्मद अली मोहम्मद। एक बात क्या हो मैं अपनी बात की किताब से तो जो करिए आप मेरी घड़ी पर निगाह है 40 मिनट हो चुके हैं। हमेशा मौला का एक वाक्य फायदा नुकसान सामने आ जाएगा। तभी एक आदमी था जो सफर में जा रहा था, कहले मौला मैं सफर में जा रहा हूं ये बताइए फायदा होगा कि नुकसान होगा। मौला ने कहा मत जाना नुकसान होगा, मत जाना नुकसान होगा। सवाल जितना था उससे बड़ा जवाब दिया, बड़े लोग जितना सवाल होता है उतने जवाब देते हैं, मौला ने ज्यादा जवाब दे दिया। जाऊं नुकसान होगा फायदा होगा, मौला ने ये भी कहा कि नुकसान होगा ये भी कहा मत जाना, क्योंकि रहमान रहीम पे मनवाएंगे थे ना हमारे माँ तो रहमत के दरवाजे से बात कर रहा है। उनको फायदा दिखाया तो वो चले गए, तो फायदा ही फायदा हुआ, तिजारत का सफर रहा होगा कोई बिजनेस फायदा ही फायदा हुआ। जब उनको फायदा ही फायदा हुआ बहुत दिन बाद अमीर मोमिन से मुलाकात हुई, मौला ये बताइए कि आपने तो मना किया था कि नुकसान होगा मेरा तो फायदा ही फायदा हुआ, सुनिए आप फायदा नुकसान किसे कहते हैं। मौला ने पलट के एक मतलब उससे पूछा कि उस सफर में तेरी कोई नमाज कजा हुई थी? उसने कहा था हाँ फायदा तो बहुत बिजनेस का हुआ मगर एक वक्त की नमाज कजा हो गई। क्या इससे बड़ा कोई नुकसान होता है? कायनात की दौलतों के तो सवाब नहीं ले सकता। ये फायदे फायदा हो तरक्की हो फैली चलो ये देखिए कि इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है, मासूमीन उसके बारे में क्या कहते हैं, अल्लाह ये दुनिया के नालों के अंदर न जाए क्या, तो क्या या हुसैन से बड़ा कोई फायदा है? या हुसैन से बड़ा कोई फायदा हो सकता है? सुन लीजिए मैं बात अलग अलग करता हूं, चूंकि ये बात मैं आधी तकरीबन यहां एक तकरीबन 5-6 साल पहले बदमसी हानी के तकरीब में कह चुका हूं, मुझे याद है अच्छी तरीके से आपकी उसको आधी गई थी उस बार मुकम्मल कर दू आपके सामने कि देखिए अलावा हुसैन के कोई रास्ता नहीं। मैं हमेशा एक बात या अल्लाह भी होगा या हुसैन के पीछे पीछे, या मोहम्मद भी होगा या हुसैन के पीछे पीछे, या अली भी होगा या हुसैन के पीछे पीछे, आसन भी होगा जो या कुरान भी होगा या हुसैन के पीछे पीछे। मेरी आदत है कि जो बात जबात डिलीवर होती है आपने देखा अभी तक उसे क्लियर करता हूं, या हुसैन आगे होगा मुझे ये क्यों बस ये बात उसके बाद बताएगा। और तकनीक मोदी हटने की बात चाहते कि जेल में पड़ा रहे आजमती आजादारी क्या है और किस तरीके से देखिए खैर मैं इसलिए रुका हूं कोई बात निकल साबित करना पड़ेगा। क्या मैंने कहा सब पीछे होगा, ये बताइए कि अंबिया आए मुसलीन आए किताबें आई रसूल आए खलीफा बने वली आए सब सब लोग आए और मां कुरान की आखिरी किताब आ गई सरकार भी आगे इसका मकसद क्या है, इसका मकसद क्या है भाई? काहे को हम बैठ के शराबखाने में न जाए बैठ के मस्जिद के अंदर पड़े रहे, काहे को हम बैठ के टाटा बिरला न बने छोटे कपड़े पहनते रहे, आखिर कोई बड़ा मकसद तो होना चाहिए। कम से कम जन्नत मिल जाए, कम से कम इसलिए कि साहेबानी इंसान की मंजिल बहुत बढ़ो जन्नत की भी आगे है इसलिए मैं चुके ये लिबास पर कम से कम जन्नत मिल जाए। ठीक है अल्लाह के बंदे ऐसे भी होंगे लिखा है जब कहेगा जन्नत की जो जन्नत की तरफ नहीं देखते पर मैं देखा कि मेरे आशिक हैं जन्नत की तरफ नहीं देखते ये मेरी मुलाकात है। मैं ज्यादा कुछ बयान नहीं करना चाहता। अच्छा अगर जन्नत न मिले कोई गारंटी ना हो, अगर जन्नत न मिले कोई गारंटी ना हो तो फिर फायदा होगा भैया कि हमारे गुजरात दाल रोटी कहा खाएंगे भाई अच्छा खाना खाएंगे। अब इन लोगों को तो कुछ मिलता भी है, अब लोग रात की रोटी मजा मजा ये खाया करते थे सुबह को, अब तो माशाल्लाह बाजार में सुबह के काफी वो आ गई हम तो जैसे पढ़ा हम जानते हैं तो कहा कम उसी को तो खाते। अगर मालूम मरे जन्नत नहीं मिलेगी तो असल की बात है तो वही लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि महाबेवकूफी है फिर उसके बाद मजहब के अमल करना
जहाँ हो जाएगा काफिर जहाँ मुशरिक जाएगा जहाँ शराबी जाएगा वो भला जाएगा जब मेंबर के सारे शाम नहीं है, यानी जो गुमराह लोग जाएंगे वही हम भी जाएंगे, हम काहे को इस दुनिया मुसीबत उठाए ना यहाँ के ना वहां के, जन्नत मिले तब ना, और जन्नत कब मिलेगी क्या नौज बिल्ला पैगंबर बन जाओगे मौला अली बन जाओगे, यानी इस्लाम पे अमल करेंगे, अमल कब करोगे, अमल उस वक्त करेंगे जब एक आइडियल ग्रुप आपके सामने हो, बस आखिरी बात मसला है आइडियल ग्रुप आपके सामने तो देख के आप ये समझे कि हमें इस पर अमल करना है, इसके ये ग्रुप जो है पूरे के पूरा सही है, तो मूसा के साथ अच्छा ग्रुप था, छोड़िए बहुत समय इतना हूं, रसूल खुदा के साथ ऐसा ग्रुप है कि जिसको देख के आप ये कह सके मैं अभी नहीं समझा, नहीं होगा बहुत इत्मीनान से, आजकल जितने फॉर्म्स आ रहे हैं लेटेस्ट दौर को देखता हूँ, ये सोचता हूँ कि इस्लाम की स्केल पर उतरती है तो उसे कबूल करता हूँ, नहीं उतरती तो उसे किनारे फेंक देता हूँ, आजकल जितने फॉर्म भरे हर चीज शॉर्ट हो रही कंप्यूटर में मुख्तसर, आप कहीं लैंड कीजिए हम लोग हवाई जहाज में जाते हैं तो आप जाते होंगे बाहर, उसके अंदर सवाल होता है कि बस प्लीज टिक एट यस और नो, बस उसके अलावा आपको इजाजत नहीं कि आप टिक लगाइए यस पर या नो पर, और अदर जहां गुंजाइश होती है वही लिखा होता है कि अदर, क्या गुंजाइश नहीं है वह अदर नहीं होगा, और मैंने बयान खुश कर दिया, एक आप मिलजुल के जोर से सलाम दीजिए मोहम्मद अली अहमद, एक घंटे में चला खत्म सोचना, 15 मिनट और बचे बस 5 मिनट, अगर की गुंजाइश नहीं है तो यस नो में जरा बराबरी कसर मसर आपने धीरे से लगाया एयरपोर्ट पे पकड़े गए काम नहीं होगा कहीं, क्या बस है ना, आप एयरपोर्ट से उतरते हैं तो जहाज में कागज का यू हैव $10,000 ये 10,000 की इजाजत है ना, यस और नो दूसरी बात नहीं, खाना नहीं लेके जा यू हैव एनी फूड वो पहले से लिखा होता है, तब ये ध्यान भी वैसे होने लगे यस और नो, कोई बात गुस्से में नहीं कहते ना जज्बात में फिट ठीक है, मौला फरमाते पूरे काफी में नहनुल आलिमुन वशिया तो ना मुतालिमुन शायद ना से होता, हम आलिम है हमारा शिया हमारा तालिबेल में उसके अलावा सब जाहिल पूरे काफी, अब यस और नो यू हैव एनी फूड यस और नो यू विजिटेड एनी अदर कंट्री जहां से आपका जहाज है उसके अलावा बिटवीन दिस जर्नी इसमें आपने कहीं और सफर किया जब मैं हिंदुस्तान आया हूं तो क्या यस और नो ठीक है, अब आप अकीदे का फार्म भरिए मैं लिस्ट मांगता हूं आपके साथ, मैंने बताया बदर मासी खाने में पड़ चुका है उसे आधा उसे माजरा चाहता हूं जो उसमें ठीक है, अब हमारे अंदर आइडियल कौन होगा, आइडियल वो होंगे कि भाई जो उनके साथ ग्रुप है वही तो आइडियल होगा जो उनके असाब है, अब रसूल तो बनेंगे नहीं, नहीं उनके दौर में रसूल खुदा ने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया वो ग्रुप है जो उसमें जिसका भी नाम मिल जाए जिसका अमल देखो उसकी पैदा कर, अब आप ये सवाल लगाइए रसूल खुदा के मुकाबले में जितने लोग भी आए थे वो सब जन्नती थे यस और नो, नो रसूल खुदा के साथ जितने लोग थे जन्नती थे ना यस ना नो, समझे में नहीं आता सारे जाकिर की मलिस खराब हो जाएगी भाई मैदान में छोड़ के भागे जब सब अच्छे हैं तो कलम रुका हुआ है ना अलग रुका है यस और नो, अच्छा हम नारे हज लगाते हैं मौला को मानते हैं अली इब्ने अबी तालिब के मुकाबले में जितने लोग लड़ने के लिए आए थे सब जन्नती थे नो, और जितने अली इब्ने अबी तालिब के साथ थे सब जन्नती थे, साथी कहां जाएंगे माविया के साथ, लेकिन बता रहा हूं जो मार मौला नहीं आई तो डांट डांट कैसी मतलब डांटा है वो सब किसके साथ है माविया के साथ तो नो तब नहीं थे ना, और जितने मौला अली के साथ थे सब जन्नती थे नहीं, तो भैया आइडियल किसको माना ऐसा सब आए क्या मैंने इसके अंदर तलवार दे दिया हम कितना हुजूर आगे नसीब नहीं थे आपके पास के हमारे दोस्त हैं बहुत अल्लाह आइए कुछ कुछ यही आगे अरे नहीं नहीं आपका भाई ये शुरू से उनके सिर मजाज है एक बार बाबा जवान सलवा दीजिए मोहम्मद जज्बात में नहीं कहना शुक्रिया आप बहुत बहुत जो लोग आए हमारे ये तो हमसे सीनियर है ये भी सीनियर है ये भी सीनियर है सब लोग सीनियर है मैं आपकी गौर कीजिएगा ठीक है, तो मौला अली के साथ हम भैया जब इमामत भी शुरू हो गई गदीर भी हो गया हम किस ग्रुप का माने कि वो एक नमूने वाले हम आपका कलम रुका हुआ है सरकार से खाते मुनर
अरे इमाम हसन के मुकाबले में जो लड़ने के लिए आए थे वो सब जन्नती थे? नो, जितने इमाम हसन के साथ थे। हम लोग कहते तरक्की आता दौड़ है, तो मैं भी तरक्की आता दौड़ के यहाँ से लेके चल रहा हूँ। लेते 12 बजे के बाद के काम नहीं आ रहा है, अब आगे तो देखा जाएगा 2000 पुरानी किस्त। अरे भाई अगर अगर सब कायदे के होते तो सुलह करने की जरूरत ही क्यों पड़ती? मुआविया के डर से थोड़ी किया था, वो जो उल्टे सीधे साथ में तो उनकी वजह से सुलह की थी। नहीं देना तो ना। अच्छा जो जितने अल्लाह के नाम पे बुतपरस्ती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो जो अल्लाह के मुकाबले में आए सब जन्नती हैं, और जितने अल्लाह के नाम पे आए हैं वो जन्नती हैं? तो ना अल्लाह के साथ कोई ग्रुप जन्नती मिला, ना अंबिया के साथ मिला, ना खातिमुन नबीन रहमतुल आलमीन सबसे बड़ी अजमत हो उसे बके अल्लाह हो बढ़ाए के नहीं बाद खुदा बुजुर्ग तीन किस्म उनके साथ मिला, ना मौला अली के साथ मिला, ना इमाम हसन के साथ मिला। अभी वो कलम रुका हुआ है, आइए कर्बला के मैदान में, आइए कर्बला के मैदान में। हुसैन के मुकाबले में जितने आए थे सब जन्नती थे नहीं, और जितने हुसैन के साथ आए थे, जितने हुसैन के साथ आए थे 72, जो इस पे टिकने लगा है बस वही जहन्नमी है। सलवार दे दीजिए आप, अभी बात मुकम्मल नहीं हुआ बैठे, अभी बात मुकम्मल नहीं हुई है उलमा बैठे मुझे पता है, मैं उसे कहता हूँ मुझे जो इलाहाबाद में पढ़ने का मजा आता है, आप बेंगलोर, वो मुझे नहीं आता, बेंगलोर वाले ने एक बनाया, अब क्या अब जो टिक न लगाए हो जाए ना, एक ही आप समझे कि या हुसैन क्यों होता है, ताकि अल्लाह के नाम पर अगर हुकूमत एक हो के आए तो अलग हो जाए, रसूल के नाम पर हुकूमत एक हो के आए तो अलग हो जाए, अली के नाम पर एक हो के आए तो अलग हो जाए, अब कयामत तक जब इमाम हुसैन का नाम रहेगा सब हो सकता है, हुकूमत बातिल कभी मिल नहीं सकता। सलावत दे दे मोहम्मद अली। अब समझ में आया कि किसी के साथ की ज्यारत अलावा उसका भी हुसैनी क्यों नहीं पढ़ी जाती? सिर्फ एक असहाबे हुसैनी ऐसे हैं कि जिनके मुकम्मल ज्यारत असहाबे हुसैनी किए, और जब असहाबे हुसैनी बन गए तो सिर्फ हुसैन के असहाब नहीं, अस्सलाम अलैका या अंसार दीनिल्लाह या अंसार रसूलिल्लाह या अंसार अमीरुल मोमिनीन। मालूम हुआ कि सिर्फ हुसैन के साथी नहीं थे, अल्लाह के दीन के भी साथी थे, रसूल के भी साथी थे, अली के भी साथी थे, फातिमा के भी साथी थे, हसन के भी साथी थे, हुसैन के भी साथी थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अली। अब समझ में आया कि ज्यारत वारिसा हुसैन जी क्यों पढ़ी जाती है, ज्यारत शहदा कर्बला क्यों पढ़ी जाती है। ये कह रहा हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद। इसलिए हुसैन हुसैन होता के सब हो सकता है, लेकिन आजादारी जब तक रहेगी सब हो सकता है, आपको बाकी एक नहीं हो सकता। इसलिए याद रखिएगा इस दौर के अंदर बुराइयां और बुरे लोग परेशानी का बाइस नहीं, वो बुरे लोग जो अच्छाई की नकाब चेहरे पर डाले हुए हैं वो परेशानी का बाइस। अब मैं ऐसे नहीं बात करता क्योंकि चौथे इमाम फैसला मनसूबे गालिब और उनका तारुफ टूटता है। चौथे इमाम फरमाते फैसला सैफे कामला में पढ़ो, सैफे कामला में एक जुमला मौला इरशाद फरमाते हैं, परवरदिगार अगर शैतान को अगर शैतान ने बातिल को हक बना के न पेश किया होता तो तेरा कोई बंदा गुमराह ही ना होता। चलवा दे दिया मोहम्मद अली। सवाल ये पैदा होता है कि इमाम हुसैन के साथी बने क्यों थे, क्यों इतने अंबिया आए थे, क्यों कुरान आया था, अब सुनिए उसे अभी तक बात नहीं मुकम्मल नहीं। एक बेटा मसाद से शायद बात के पढ़ो माजरत छापा उसके बाद शायद रहता है बात के मसाद पढ़ो गौर कीजिए नहीं। अच्छा क्यों साथी बन गए, जान देने के लिए, जान तो उसे पता की जरूरत दे रहे कोई चीज की सिर्फ खुद बिना से ही काबिल अजमत नहीं बन सकती जब तक कि उसका रब अल्लाह से बन। हम जैसे ईरान पासदार जान दे रहे हैं ना, वैसे ही जो है वो खालिस्तान के नसीब भी जान दे रहे हैं, कोई उसमें दोनों में फर्क नहीं है, ये भी मिठाई खा खा के तुली बचाओ गए
दोनों फर्क क्या होता है? जैसे वो जान दे रहे हैं वैसे वो जान दे रहे हैं, जैसे तालिबान जान दे रहे हैं वैसे पादार ईरान भी जान दे रहे हैं, फर्क क्या? कौन सी बात है? जान देना कोई इस्लाम की अच्छी चीज थोड़ी है जब तक तो उसका रब अल्लाह से होता है। एक वाक्य सुनने बीच में याद आ गया, मैंने जब मुस्तफा खुमैनी की ताजियत में पहुंचे तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा आप सब्र कीजिए, लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद फिर टप पे बैठ गया, ये ख्याल है कि सब्र अल्लाह के लिए होना चाहिए। और जब हमारे जब उसका अल्लाह से रब्त रहता वो इस आखिर क्यों आए थे जान नहीं, एक बात इमाम से शुरू हुई, इमाम को पहचानो। जान दे तीन दिन के भूखे पैसे थे, तीन दिन के भूखे पैसा हो सकता है कोई बाहर रहे, क्या पॉसिबल नहीं आप मुझे बताए? उस अंदाज से पॉसिबल बहरहाल नहीं फर्क है, लेकिन हम आम लोगों के तीन दिन के भूखे पैसे आना हो सकता है पॉसिबल है, फिर पावर का मजबूत कर ले वगैरह वगैरह, इसके भी लोग दो दिन तो रहे थे नहीं, कहां तक लाए जा रहे थे इमामत तक? अब नतीजा दे चुके इलाहाबाद का मजमा है लाया गया, इसलिए जब इमाम ने चिराग बुझाया और जलाया और उसके बाद जब चिराग जलाया है और जो तुम हबीबी तुम्हारी जगह है जुहैरी तुम्हारी जगह, कहां तक आदम से लेके और कर्बला तक होगा जुहैर तुम्हारी जगह है, ये अल्लाह अबू समामा तुम्हारी जगह है, तब सबकी जगह दिखा चुके थे एक मरतबा मुंह फेर के सबने कहा या हुसैन हुक्को का जन्नती, मौला आप में जन्नत दिखा रहे हैं, हमारी जन्नत तो आपकी मोहब्बत है। बस सबको इसे हुसैन तक लाया जा रहा था कि वक्त के इमाम को पहचान, हमारी जन्नत तो आपकी मोहब्बत है, इसलिए हुसैन हुसैन होता है, मामूल चीज की तफसीर खत्म नहीं होती, हमारी जन्नत तो आपकी मोहब्बत है, इसीलिए नतीजा दे रहा हूं। इसके बाद मुझे पढ़ना था दो घंटे के बीच, एक घंटे के मिले निचोड़ के आपको तफसीर की जरूरत नहीं है, बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे, इसीलिए 28 से लेकर और रोजे आशूरा तक इमाम हुसैन साहब ने कहीं ये नहीं कहा अल्लाह के नाम पे आओ, जिहाद के नाम पे आओ, रसूल के नाम पे आओ, मोहम्मद के नाम पे आओ, कुरान हाथ में ले, कहा नहीं। जब पहले दिन चले तो यही कहा मैं आपकी बेटी का बेटा हूं रोजे आशूरा, कि हल कौन है जो मेरी मदद करे कि मुझे पहचानो, इसलिए कि जो भी इधर था वो उधर था, इधर नमाज थी एक तरफ नमाज थी, इधर रोजा था उधर रोजा था, इधर हज था उधर भी हज था, इधर मस्जिद थी उधर ही मस्जिद थी, इधर कुरान था उधर भी कुरान था, कोई वो घनश्याम दामोल हरे हरे राम का नारा नहीं लगा रहे थे, वो भी नारा तक में लगा, ये भी नारा तक में लगा रहे थे, कहा सब है यजीद की तरह लेकिन हुसैन नहीं है तो कुछ नहीं, कौन है जो मेरी मदद करे मुझे पहचानो, हल मिन नासिरिन यंसुरुना। अब समझे कि पैगंबर ने अगर दो हदीस इरशाद फरमाई थी, अरे एक हदीस पहले कह दी थी कि मेरे अहले बैत की मिसाल सफीने नुके, तो हुसैन के लिए मखसूस फरमाया अल हुसैन सफीनतुन नजात। बस बात खत्म होगी मेरी, और एक घंटा होने वाला अली जाने ग्रामी, और उसी दरमियान जब आपने चला पता बुझाया सबसे पूछा सबके स्टेटमेंट मौजूद है अलग अलग, भाई हबीब तुम क्या कहते हो जोहर तुम क्या कहते हो, सबने कहा कि भाई मौला की जिंदगी हमेशा की होती है, आप मौला सुन चुके ना बहुत किसी के साथ आगे पढ़ लो, सबने अपना अपना बयान दिया, सबसे पूछ चुके हैं बस अली जाने ग्रामी मसायद पे आ गए, इसलिए 10 दिन तो खत्म हो चुके हैं,